बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो बनाने वाले हैं हम चिप्स, इसमें सबसे पहले ये हमने करना है कि ये जो चिप्स आप देख रहे हैं इसको हमने फ्राई कर लेना है ताकि ये क्रंची हो जाए। जिस तरह ये, यानी कि नॉर्मल आपने फ्राई नहीं करनी, इसके ऊपर इतना आपने करना कि 80% हो जाए, क्योंकि वो जो 20% बाकी है वो रिमेनिंग हम जब पैन में बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे ये बन जाएगा। अब यूं ही पैन हमारा ये गर्म होने वाला है, इसके अंदर हम सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालेंगे। वो कोई भी आप कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, क्योंकि मैं घर में बना रहा हूँ तो इसलिए आप ये कुकिंग ऑयल डालेंगे, वेजिटेबल सनफ्लावर ऑयल। और ये हमारा ख़ास मसाला है जो हम इस स्पाइसी बैग या फ्राई वेजिटेबल चिप्स के लिए हम बनाएंगे। तो ये है हमारे ख़ास इंग्रेडिएंट्स जो सीक्रेट है इसके अंदर। और ये है इसके अंदर चिली क्रश पाउडर, ये बहुत सारे शॉप्स के ऊपर मिल जाता है चिली क्रश पाउडर, या नहीं तो होलसेल की शॉप्स पे पाकिस्तान में मिल जाता है। तो बहरहाल ये कि यूके के अंदर तो हमारे यहाँ यही स्मॉल पैकिंग होती है, या किसी आपको और होलसेल की शॉप में मिल जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये मैंने कैरेट काटी हुई है गाजर, तो गाजर को बिल्कुल आपने थिन काटना है, बिल्कुल पतला सा, क्योंकि जब आप पैन में डालेंगे वेजिटेबल तो आपको ये जो है वो इजी फ्राई हो जाए, इसमें टाइम ना लगे। तो ये मैंने कैसे काटा है कि एक कैरेट को मैंने साफ़ किया है, और उसके बाद मैंने इसको ये इसके साथ जैसे पिल करते हैं ना ऊपर वाले जो छिलके होते हैं, तो उसके साथ मैंने इसको साफ़ किया है और बाद में इसी के साथ मैंने काटा है। अब उसके बाद ये है शिमला मिर्च, जिसको हम रेड पेपर कहते हैं, और पाकिस्तान में शिमला मिर्च कहते हैं, या मेरा ख्याल कोई और नाम भी होगा, ये आपको मैं दिखा दूँ। ये देखें, ये शिमला मिर्च है मैंने जो आधी काटी है। जितना आपने क्वांटिटी बनानी है उस हिसाब से उतना आप डाल लें, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये साथ में मैंने डाला है ओनियन, ये नॉर्मल ओनियन है, कोई रेड ओनियन नहीं है सैलड वाला। और इसको कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसे काटें कि जैसे वो छोटा छोटा पहली का चांद होता है ना, छोटे छोटे पीसीस, उस तरह, यानी कि चांद की तरह छोटे छोटे, यानी कि आपने इसको लेंथ वाइज काटना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा फिर आपका टेस्ट आ जाएगा और ये ईजी होगा फ्राई करने के अंदर। क्योंकि अगर आप वो राउंड या किसी और शेप में काटेंगे तो उसमें शायद वो जायका ना बन पाए। तो ये टोटल आप चीज़ें काउंट कर लें कि ये सबसे पहले कैरेट, उसके बाद ये शिमला मिर्च है, और ये है ओनियन, और ये फ्राई हुई चिप्स है, और ये चिली क्रश पाउडर है जिसको चिली क्रश हम बोलते हैं, और ये स्पेशल सीक्रेट मसाला है हमारा जो इस वेजिटेबल के लिए ऐड करेंगे चिप्स के साथ स्पाइसी बैग के लिए, और ये कुकिंग ऑयल। अब हमारा जो पैन है ये इनफ गर्म हो चुका है, अगर आप देख रहे हैं कि स्मोक आना शुरू हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल थोड़ा सा, ताकि ये जो हमारा है वेजिटेबल सबसे पहले थोड़ी सी कर लें। अब क्योंकि ऑयल ये मेरे पास पड़ा हुआ है जो वो था चिप्स वाला, तो वही मैं डालने लगा, क्योंकि ज़्यादा फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि इसको बाद में फिर फेंकने से बेहतर है ना इस्तेमाल किया जाए। ये मैंने थोड़ा सा डाला इसमें ऑयल, इतना ऑयल डालना जितने के अंदर आपका ये जो क्वांटिटी है ना उसके लिए चिप्स के लिए, वो वेजिटेबल आपकी बन जाए फ्राइड। अब ये मैंने जो ही ऑयल इसमें डाला है, तो अब सबसे पहले इसमें मैं क्या डालूंगा, अब सबसे पहले इसमें मैंने डालना है ओनियन। अब ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास कोई और चीज़ है नहीं मोबाइल पकड़ने के लिए, उसी से मैं ये आप के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये मैंने इसमें ओनियन डाला सबसे पहले, और कोशिश कीजिएगा इसके साथ अगर वुड स्टिक हो, नहीं तो वो कोई भी ऐसी स्टिक जिसके अंदर ये आपकी जो है पैन के साथ रबर ना हो सके, नहीं तो वो रबर होने से ये होता है कि वो जो आपका मटेरियल है आपके खाने में चले जाता है, जो सेहत के लिए बड़ा मोज़र है।
ये जो ही मेरे ओनियन हैं ये हल्के से लाइट ब्राउन शुरू होंगे होना, हल्के से लाइट ब्राउन, इससे ज़्यादा नहीं हमने करने। मैं यहाँ पे उठा दूँ क्योंकि वो तो ठंडा था लेकिन यहाँ पे ज़्यादा गर्म हो गया, इसलिए मैंने इसको वहाँ पे रखा हुआ है। अब इसको हाई फायर के ऊपर करना है ताकि इसमें टाइम ज़्यादा ना कंज्यूम हो, जल्दी जल्दी हो जाए। अब चीज़ें नोट करते रहिएगा जो जो मेरे पास हैं, बाद में फिर आपको मसला ना बने। इसमें आप कोई भी और वेजिटेबल सीजनिंग ऐड कर सकते हैं, जैसे आप अगर जून जुलाई में पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में, तो वहाँ पे शायद ये कैरेट और शिमला मिर्च ना आपको मिल पाए, आप कोई और वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं आपके फ्लेवर के लिए चिप्स के साथ कुछ भी। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा कलर जो है ना वो तब्दील होना शुरू हो गया, शायद मेरे मोबाइल की रोशनी की कम की वजह से आपको नज़र ना आए, लेकिन ये होना शुरू हो गया कलर चेंज लाइट। इसको ज़्यादा नहीं करना तो वो ब्लैक हो जाएगा, तो आपने इतना ही करना है ताकि इतना इसके अंदर उसका फ्लेवर रह सके और वो सेहत के लिए मोज़र ना हो, इसका कोई नुकसान ना हो। अब ये तकरीबन तैयार है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं डालूँगा वेजिटेबल, क्योंकि वेजिटेबल को थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने ये शिमला मिर्च डाली है। अब शिमला मिर्च जो ही डालूँगा तो उसको थोड़ा सा मैंने और फ्राई करना ताकि ये शिमला मिर्च तैयार हो जाए कुकिंग लेवल तक, ईटिंग प्रोसेस के लिए। अच्छा, ये मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि ये मैं सबसे पहले दफ़ा बना रहा हूँ, मैंने कभी पहले अपनी ज़िंदगी में ट्राई नहीं किया, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खामियाँ होंगी, लेकिन ये सिर्फ एक आइडिया था जो मैंने आपको इसे बता दिया। अब देख रहे हैं, लेकिन अमूमन क्या करते हैं इसको कि ये जो शिमला मिर्च है इसको आप पानी में डिबो दें या ऑयल के साथ डिबो दें ताकि उसको ना जल्दी मेल्ट होने में आसानी हो जाए। अमूमन पानी ही बेहतर रहेगा, पानी या ऑयल का जो मिक्सचर होता है ना लिक्विड सा बना के, तकरीबन एक घंटा पहले डिबो दें। उसमें आप कैरेट भी डिबो सकते हैं और शिमला मिर्च या जो भी आप वेजिटेबल सीज़न के हिसाब से डालेंगे, लेकिन सर्दियों में तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है, दोनों वेजिटेबल पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, श्रीलंका, एशिया की काफ़ी ममालिक में दस्तियाब होती है। अच्छा, अब आप देखें कि वेजिटेबल भी फ्राई हो रही है, साथ में ओनियन जो है वो ज़्यादा कलर अपना छोड़े जा रहा है, ज़्यादा ब्राउन होने वाला, हमने इसको ब्लैक नहीं करना, बस इसमें इतना ही जितना हमने डाला। अब उसमें हमने कैरेट डाल दी, यूँ ही कैरेट डाली ताकि वो फ्लेवर मिक्स हो गया आपका। इसमें कोई आपने साल्ट, नमक या क्या उसको कहते हैं, कोई और चीज़ ना डालें, क्योंकि जो ही आप डालेंगे वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। उस बर्न से ये होगा कि वो वेजिटेबल और आपके ओनियन काले होने शुरू हो जाएंगे, तो ब्लैक अगर आप करेंगे तो वो फिर पूरी की पूरी हंडिया बन जाएगी, तो हमने इसको हंडी नहीं बनाना। ये अब देखें कि वेजिटेबल जो है उसने अपने कलर छोड़ना शुरू कर दिया है, हल्की हल्की वो राइट डिश होना शुरू हो गई है। अब इसके बाद क्या आपने करना है, क्योंकि अब जो ओनियन है वो काला होने वाला है, तो हमने उसको काला नहीं होने देना, उससे पहले हमने बाकी चीज़ें ऐड कर देनी है। बाकी चीज़ों में क्या है, अब हम क्या करेंगे ऐड, क्योंकि मैं ये थोड़ा सा कैरेट मैंने ज़्यादा बनाया था, ये मैं नहीं डालूंगा, बस जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए थी वो मैंने इसमें डाल दी। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि अब इसमें सबसे पहले मैं डालता हूँ चिली क्रश, क्योंकि उसका थोड़ा टाइम लगेगा, अपना जो ये चिप्स है, चिप्स को मैं बिल्कुल लास्ट पे डालूंगा बिफोर 2 मिनट। अब जो ही मैंने ये डाला चिली क्रश, देखे, और इसकी जो स्मेल है और इसकी जो स्मोक है ना वो उड़ना शुरू हो जाएगी, जो कि गिरदोनवा के माहौल को खुश जायका करेगी, अगर आपके पास एशियन कम्युनिटी है गिरदोनवा में, अदरवाइज जो दूसरे लोग तो शायद आपको बर्दाश्त में ना कर पाए, अगर आप किसी कम्बाइंड फैमिली में रह रहे हैं, जैसा भी हर शख्स का अपना होता है। अब ये जो स्मोक आ रहा है ये सारे का सारा फ्लेवर आ रहा है उड़ के स्पाइसी बैग का, और ये बहुत उम्दा जो चिली है ये अभी फ्लेवर दे रही है। मेरा ख्याल ये बताने के मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये कितना उम्दा अभी जायका दे रही है, सिर्फ ओनियन और वेजिटेबल के साथ मैंने चिली डाली है। लेकिन मेक श्योर कि आपका जो फैन है वो ऑन होना चाहिए किचन का, क्योंकि जो सारी की सारी स्मोक है
वो बाहर चले जाए, या जहाँ पे भी आप बना रहे हैं वहाँ पे इनफ एवेपोरेट हो चीज़ों को तो स्मेल आउट करने के लिए। अब ये देखें, आप ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है क्योंकि मेरी फायर बहुत तेज़ है, हाई स्पीड पे मैंने किया हुआ है। ये देखें आप ऑलरेडी, अब इसको काला होने से बचाना है तो इसी में हम क्या करते हैं, अब हम डाल देते हैं चिप्स। दैट्स इट, ये हमने चिप्स इसमें डालना शुरू किया। बिस्मिल्लाह, अब इसको चिप्स को डालने को थोड़ा सा हमने इसको मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा करेंगे तो आपके वो जो वेजिटेबल ओनियन वो काला होना शुरू हो जाएंगे, तो वो जो डिश का जायका वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमने डिश का जायका नहीं ख़त्म करना, उसको फ्लेवर बनाना है, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बर्न हो रहा है सारा मटेरियल, तो इसको ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। इसके अंदर आप क्या और भी कोई चीज़ ऐड आप कर सकते हैं वेजिटेबल के साथ, चिकन ऐड कर सकते हैं, चिकन बॉल्स या विंग्स जो भी आपको मुनासिब लगे। अब जो ये फ्लेवर्ड है, अरोमा जो हम इसे बोलते हैं, ये ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है वेजिटेबल का चिप्स के साथ। अब इसको और हमने टाइम नहीं लेना क्योंकि ये ऑलमोस्ट रेडी है, फायर बहुत तेज़ है बर्न होने के पास पास, जिसके अंदर हम यानी कि ये फायर इतनी तेज़ है कि जिसको आप कह लें कि हमने पाए बनाने हो या सी और कोई भी चीज़, तो उसके लिए इनफ है, तो इतनी तेज़ है। आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ब्लैक होना शुरू होगी वेजिटेबल, इसको हमने ज़्यादा नहीं करना। अब हमने अपना जो है स्पाइसी बैग का जो ख़ास सीक्रेट पाउडर है वो हम इसमें डाल देंगे, ताकि बिल्कुल स्पाइसी बैग का जो अरोमा है वो उसके ऊपर चला जाए, हसबे जायके, उसको ज़्यादा ना डालिएगा हसबे जायका। ही आपने डाला तो वो देखें अरोमा उसका और उसकी फ्रेगनेस इतनी आने लगी है कि अभी मेरा ख्याल है कि पूरे घर के अंदर या पूरे रूम के अंदर ये जा रही है। अब मैं सांस लेना मुश्किल हो गया है, मैंने फ़ैन नहीं चलाया इसलिए क्योंकि वो फ़ैन का शोर बहुत ज़्यादा है जो इसके ऊपर लगा हुआ है, अगर आप देखें तो मैंने फ़ैन नहीं इसको चलाया, तो शोर की वजह से आपको मेरी शायद आवाज़ भी ना आती, तो मैं ये इसलिए बनाया था कि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर करना क्या है, वो फिर एक ही शोर आप सुन पाएंगे ना, तो वेजिटेबल का भी आपको पता चलना चाहिए। अभी ये बहुत उम्दा और लजीज जो है स्पाइसी बैग मेरा ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। मैंने इसमें ऑयल बहुत कम मकदार में डाला है, बहुत कम, लेकिन आप हसबे जायका, अगर आप ज़्यादा खाना पसंद कर सकते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब ये देखें, आपने ओनियन जो काले होना शुरू हो गए और बस ये डिश हमारी रेडी है। दैट्स इट, इसमें और के आपको टाइम नहीं चाहिए। अब इसको मैं यहाँ पे फाइनल शेप दूंगा, फाइनल शेप दी। अब ये मैं जो मैंने वेजिटेबल बनाई थी इसको दूसरी प्लेट में डाल दूं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि फ़ाइनल इसकी जो लुक है वो कैसी है, आपको ज़्यादा और क्लियर आइडिया हो जाए। मैं शायद अब मैं मोबाइल दूसरी जगह पे रखता हूँ अगर आप देख सकें, क्योंकि मेरे पास और कोई चीज़ मटेरियल नहीं है मैं जिसको इसके साथ डालूँ प्लेट में। एक सेकेंड मैं देखता हूँ अगर आप लोग देख सकते हैं, अब जो है मेरा स्पाइसी बैग तैयार हो गया। अब इसको ये थोड़े से ज़्यादा जो है ना
काले हो गए ऑनियन, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं होने देना, यही स्किल है कि इसको लाइट, और जो मैंने कहा था ना कि आपको इसको मोटा थोड़ा थिक काटना है ऑनियन, वो इसीलिए था कि ये काला ना हो पाए। तो ये ऑलरेडी हो चुका है तैयार, इसमें बहुत अभी जायका मज़े का आ रहा है। इसको हम किसके साथ खा सकते हैं, कैचअप मायो और कोई सॉस, करी सॉस या जो भी आप बना लें, लेकिन मेरे पास अभी क्या पड़ा हुआ है, अभी मेरे पास शायद कुछ नहीं पड़ा पा रहा है। इसको कैचअप के साथ अगर आप खाएंगे तो बहुत उम्दा है, आप किसी भी तरह ट्राई कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, कोशिश कीजिएगा, अल्लाह ने के बाद, खुदा हाफिज़।